नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। समाजशास्त्र का पेपर है आपका 11 जनवरी को। उसके लिए दोस्तों मैं कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र का पेपर जो बताने वाला हूँ, इस पेपर को आपको लास्ट तक देखना है। साथियों, जो मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हैं और वीडियो पूरा आप देखते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, समाजशास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय समाजशास्त्र, 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब क्वेश्चन के आंसर आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। साथ ही ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर पूरा पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, औद्योगिकरण से आशय है आधुनिक ढंग से कृषि करना, यातायात के साधन, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ स्थापित करना, उत्पादन के क्षेत्र में मशीनी कृषि यंत्रों तथा ऊर्जा का अधिक प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 4th वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। और जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? तो प्रगणक अनुशासन, प्रगणक देश, प्रगणक शिक्षिका या प्रगणक वाक्य। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक प्रजातियां, अनेकता में एकता। उनके पास आंसर मिलेंगे आपको, बिल्कुल। आप जो कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करने की आवश्यकता नहीं, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। जिसके बाद में रिक्त स्थान आपको यहाँ पर मिलेंगे आंसर सही कि संस्कृतिकरण की अवधारणा MN श्रीनिवास ने दी है। और भारतीय डाक प्रणाली, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1766 में आरंभ हुई। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित निर्वाचित होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है। 20वीं सदी के प्रारंभ में भूमंडलीकरण के बाद AM चैनल प्रकाश में आया। तो भूमंडलीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूई, जूट, रेलवे तथा कोयला खाने भारत के प्रथम उद्योग थे। और ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। सन 1976 में बंद हुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया है। खालिस्तान आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम जोड़ी देखेंगे, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती को आप किससे मिलाएंगे? आर्य समाज से। जोड़ी यहाँ पर करेक्ट करके लिख दी है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सामाजिक संस्था विवाह, ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज और जाति एक बंद वर्ग है, मजुमदार तथा मतदान, प्रजातंत्र का चौकीदार मीडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शब्द एक वाक्य उत्तर, इनके आंसर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन क्रमांक 1, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व क्या है? तो विभेदीकरण की प्रक्रिया, तार्किकता तथा धार्मिक संकीर्णता का ध्यान। क्वेश्चन नंबर 4th वाला, भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1975 में। और इंडिया न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोजर जेफरी। भारत में जनसंचार के किस साधन का उपयोग सबसे पहले हुआ? डाक सेवा। और भारत में रेडियो प्रसारण सबसे पहले कहाँ हुआ? कोलकाता एवं चेन्नई में। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, जिसमें आपको सत्यापत्य देखने को मिलेंगे। भारत की जीवन प्रत्याशा विगत वर्षों में घटी है? असत्य। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा बड़ा देश है? असत्य। और सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्से को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रही है? सत्य। और कमजोर लोग पर शक्तिशाली लोग शासन नहीं करते? असत्य बात है, ठीक है। सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित नहीं होते? असत्य। प्रत्येक व्यक्ति की एक मातृभूमि और मातृभाषा होना आवश्यक नहीं? असत्य।
आगे बढ़ते हैं। देखिए होने वाले पेपर के लिए, 11 जनवरी के होने वाले पेपर के लिए अब जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अथवा वाले और क्वेश्चन क्रमांक, ठीक है, इन क्वेश्चनों को ही पढ़कर जाना है यदि अच्छे मार्क्स आपको लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इस प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको टेलीग्राम पर भेज दिए जाएंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी प्रकार आगे भी अपडेट मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी आपको देखने को मिल रहे हैं, यही क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन अब आपको 3-3 नंबर के दिख रहे हैं ये, ठीक है, उसके बाद में आपको 4 नंबर के क्वेश्चन भी इसी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब देखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपको 4 नंबर को जो आएंगे वो आपको देखने को मिल रहा है। 23 तक पूरा पेपर रहेगा आपका, क्वेश्चन क्रमांक 23 तक ये पूरा पेपर आपका रहा। ठीक है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही आपका गुड नेम क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।